जब मैं एट्थ में था तब से मैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग पढ़ रहा था, तो मुझे तब से ही इंटरेस्ट था इस चीज में। बोर्ड के एग्जाम थे उसी दिन पे भी मैं ऑप्शन बेच के दोनों तरफ स्टॉप लॉस लगा के बोर्ड के एग्जाम देने चला जाता था। पक्का कर लिया था कि मुझे टिप के भरोसे नहीं रहना है, मैं सीखने के लिए सीख रहा हूँ, जॉब के लिए नहीं सीख रहा हूँ मैं। भारत की आज की जनरेशन स्टॉक मार्केट को सीरियसली ले रही है। मतलब इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, ये सब तो बनता ही है कोई, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक फुल टाइम ट्रेडर सही टाइम सही एज पे कैसे बना जा सकता है, ऐसा सोच विचार आना शुरू हो गया है। एटलीस्ट 19 साल के मोहित का तो यही कहना है, जिनके साथ हमने लेटेस्ट पॉडकास्ट किया, वो आज की तारीख में एक 19 साल के फुल टाइम ऑप्शन सेलर हैं। मुझे भी अजीब लगा था जब मैंने ये सुना था कि इतनी छोटी एज में ऑप्शन सेलर कैसे बन सकते हो, लेकिन जब हमने बात की तो पता लगा कि ये जो लड़का है पिछले 4 साल से स्टॉक मार्केट को समझता है। यूट्यूब देख देख कर ये सीखा कि स्टॉक मार्केट को लेकर थोड़ा सीरियस हुआ जा सकता है। हालांकि पापा स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग करते थे, लेकिन खुद ब्लू चिप की इन्वेस्टिंग की, मतलब थोड़े अच्छे स्टॉक्स पिक किए, फिर इंट्राडे किया, फिर ऑप्शन बाइंग किया, अब ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। अभी जो 19 साल के मोहित मकरान डिरांडे हैं, स्कूल भी जाते हैं, स्कूल सैटरडे को जाते हैं, मंडे टू फ्राइडे सुबह स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग शुरू की, शाम तक यही चलता है, घर का माहौल यही है। इनफैक्ट पापा के साथ बैठ के हर वीरवार को एक्सपायरी डे मनाया जाता है, मतलब पापा और बेटा इकट्ठे एक्सपायरी डे पे ट्रेडिंग भी करते हैं। ये बहुत ही बेसिक डिस्कशन से थोड़ी एडवांस लेवल की डिस्कशन, साइकोलॉजी लेवल की डिस्कशन, पोजिशन साइजिंग कैसे कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करते हैं, अपने कैपिटल को लगातार ऑप्शन सेलिंग में किस तरह से बढ़ाते हैं। मोहित मकरान इरांडे के पास एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी, एक अपना माइंडसेट है, क्लैरिटी है, थॉट प्रोसेस है, और एट दिस एज टुवर्ड्स हिज करियर ही इज काइंड ऑफ श्योर कि उसको करना क्या है। इस पॉडकास्ट को देखिए, समझिए, जानिए, और ये एक अच्छी बात देखने को मिली कि किस तरह से जो आज की जनरेशन एट सच अ यंग एज इज वेरी अवेयर अबाउट स्टॉक मार्केट, और ऐसा नहीं कि उसको अमीर होना है रातों रात, ये माइंडसेट नहीं है, और बिग बुल सीरीज में आपको ऐसा माइंडसेट वैसे मिलेगा भी नहीं। तो चेक आउट दिस पॉडकास्ट, इट्स एन इंस्पिरेशनल स्टोरी, एट द सेम टाइम काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। ऑलराइट, तो मोहित थैंक यू सो मच यार कमिंग ओवर टू अ डिजिटल ब्लॉगर बिग बुल सीरीज पे। जनरली अगेन मैं थोड़ा रेपिटेटिव हूँ इस केस में, लेकिन हमारा पहला सवाल यही रहता है, आपने स्टॉक मार्केट या शेयर जो वर्ड होते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, जो कि अभी सिर्फ 18-19 साल की है, उसमें कब सुना पहली बार आपने स्पेसिफिकली? मैं जब 15 साल का था आ रहा हूँ, तब मैंने YouTube पे वीडियो देखा था कि शेयर मार्केट कुछ होता है, तो मुझे वो ट्राई करना था, तो मैंने वो मेरे पापा को बता दिया था, तो वो बोले कि ठीक है अगर आप तुम्हें ट्राई करना है तो करो। तो वहाँ यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद मैंने सबसे पहले जाके अकाउंट खोला, मेरा डीमैट अकाउंट खोला पापा के नाम पे, क्योंकि तब तो मेरे नाम पे खुल ही नहीं सकता था। तो अकाउंट खोलने के बाद उसमें थोड़ा फंड ऐड किया, अराउंड 3-4 हजार। अच्छा, तो 3-4 हजार के साथ मैंने पहले इक्विटी में ट्रेडिंग करना शुरू किया, मतलब डिलीवरी बेस में ही लेता था, ब्लू चिप शेयर लेता था मैं, रिलायंस, एचडीएफसी जैसे शेयर लेता था सब। उसके बाद मैंने ऑप्शन में ट्रेड करना चालू किया, तो तब तो कैपिटल बहुत कम था, तो ऑप्शन बाइंग ही करता था मैं। तो ऑप्शन बाइंग में शुरुआत में अच्छा खासा नुकसान हो गया था मेरा, तो दो तीन ट्रेड लिए थे मैंने, तो उसमें 70% कैपिटल मेरा चला गया था, मतलब थोड़ा 10-20,000 के आसपास ही था, तो वो चला गया था। तो तब मैं ऑप्शन से डरने लगा था, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं था मुझे कि ऑप्शन में कुछ हो सकता है, तो मैं फिर से थोड़ा फंड ऐड किया क्योंकि फंड तो चला गया था, और फिर से मैंने इक्विटी में ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो इसमें अभी थोड़ा प्रॉफिट होने के बाद 2020 तक तो मैंने ऑप्शन को छुआ ही नहीं वहां तक। फिर 2020 में जब कोविड क्रैश आया, तब वो मुझे वो कंट्रोल नहीं हुआ कि रोज पुट के प्राइस इतने बढ़ रहे थे, तो मैंने तब पुट लिए थे, बैंक निफ्टी के पुट लिए थे, अराउंड 3,000 रुपीज का ऑप्शन बाय किया था, और नेक्स्ट डे मार्केट में लोअर सर्किट लग गया था, उस डे 7,500 का अराउंड वो चला गया था, तब तो वो 3,000 जो थे वो 45-50,000 तक चला गया था वो। तब मुझे वो इनिशियल कॉन्फिडेंस आया कि ऑप्शन में भी कुछ हो सकता है। ऑप्शन बाइंग में मैंने 50,000 जो था उसमें से 30,000 मुझे पहले का वो अनुभव था कि लॉस हो रहा है,
तो 30,000 मैंने फिर से शेयर्स में लगा दिया था और 20,000 जो है उससे ऑप्शन बाइंग फिर से करने लगा था। तो वो 20,000 का पूरा 20,000 जो है वो चला गया मेरा, फिर से लॉस हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि अभी ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मेरा पैसा जाता आ रहा है। तो मैंने सोचा कि ऑप्शन बाइंग में हमारा लॉस हो रहा है तो कमा कौन रहा है, तो ऑप्शन सेलर कमा रहा है। तब से मैंने ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैं पहले डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करता था, तो क्या होता था 10 में से 5-6 बार प्रॉफिट होता था, 3-4 बार लॉस होता था। तो वो मुझे थोड़ा साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ता था कि लॉस भी हो रहा है, मतलब अच्छा खासा ब्रेक इवन पे था, मैं ना कमा रहा था ना गवा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कॉल बेच रहा हूँ उसका मतलब है ऊपर जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा कहूँ कि मैं कॉल भी बेच दूँ पुट भी बेच दूँ। तो यहाँ से मेरे नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग की मैंने स्टार्ट की थी। तो अभी मुझे एडजस्टमेंट वगैरह कुछ इतना पता नहीं था पहले, तो मैं सिर्फ कॉल बेचता था पुट बेचता था, 10-10 रुपये का बेच देता था और 20 रुपीज़ पे स्टॉप लॉस लगा देता था। अभी 2020 में अगर आप देखो तो इंडिया विक्स बहुत हाई था, आईवी बहुत हाई था, तो ऑप्शन सेलिंग में वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था मुझे, क्योंकि आईवी बहुत हाई था। क्योंकि ऑप्शन को तो एक्सपायरी में जीरो तो होना ही है, उसको आउट ऑफ द मनी है तो जीरो तो होना ही है, तो वहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन मेरी जो गलती थी, मैं ओवरनाइट पोजीशन भी रखता था, तो आईवी की वजह से वो गलती मेरी दिखाई नहीं दे रही थी। मार्केट 300-400-500 पॉइंट भी नीचे ऊपर खुलता तो भी मेरा ब्रेक इवन या फिर प्रॉफिट में ही खुलता था, क्योंकि इंडिया विक्स वहाँ पे 70 के पास था। तो वो गलती मुझे रियलाइज हुई 2021 फेब्रुवरी में, जो बजट था। तो मैंने बेच के रखे थे कॉल पुट, और वेरी नेक्स्ट डे मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप हुआ, तो वहाँ पे मुझे बड़ा लॉस हो गया था, अराउंड 1,00,000 का लॉस हो गया था। तो तब से मैंने इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग करना चालू किया। ओह वाओ मैन, मतलब ऐसा है कि पूरा का पूरा एक समुद्र होता है ना, जिसमें बहुत लहरें होती हैं। तो पिछले 2-3 साल आई गेस योर लाइफ हैज़ बीन लाइक दैट ओनली, कि जिसमें बहुत उछाल हो रहे हैं, पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है, फिर अच्छा सीख रहे हो नुकसान करवा के, फिर आगे चल रहे हो, फिर थोड़ा लॉस हो रहा है, फिर आगे बढ़ रहे हो। तो बेसिकली शुरू चाहे यूट्यूब से किया, बट आई गेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहुत शिफ्ट किए हैं अलग अलग फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग में, एंड देन यू काइंड ऑफ लर्न बाय योर ओन एक्सपीरियंस, अपने गलतियों से खुद सीखे एंड देन उसको फिर सॉर्ट ऑफ भरपाई की है उसकी। बट मैं यार वापस पीछे जाऊँगा अभी, जस्ट टू अंडरस्टैंड योर माइंड सेट। जब यूट्यूब से सुना कि यार शेयर मार्केट कुछ होता है, जो 3-4 हज़ार रुपये लगाए और फिर 20,000 का भी इन्वेस्टमेंट किया, पहले तो ये बताओ कि जब ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाया पैसा, तो कैसे पता था यार ब्लू चिप में लगाना चाहिए, ब्लू चिप में ही लगाना चाहिए और डिलीवरी में ही लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे सेफेस्ट फॉर्मेट यही तरीके से होता है कि आपने डिलीवरी किया और आपने थोड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में लगाए पैसे। तो ये किसने बताया था, खुद पता था कि पहला कदम मैंने गलत नहीं लेना, योर फर्स्ट स्टेप इन स्टॉक मार्केट एक्चुअली वाज परफेक्ट? मैंने यूट्यूब से थोड़ा बहुत सुना था कि पेनी स्टॉक से दूर रहना चाहिए ऐसा कुछ, और मुझे जो कंपनीज मेरे आसपास दिखती थी मैं उसी कंपनी के शेयर्स लेता था, ज्यादा कुछ सोचना नहीं था। मुझे तब कुछ पता नहीं था कि क्या फंडामेंटल्स क्या होता है, पी क्या होता है, कब, इतना कुछ पता नहीं था मुझे। तो जो कंपनी मुझे मेरे आसपास दिखाई देती थी उसका शेयर मैं ले लेता था। जैसे कि हालांकि रिकमेंडेशंस नहीं है, बट क्या देखते थे आसपास नॉर्मल लाइफ में कि अरे इसका बाय कर लेता हूँ। अभी मैं अगर HDFC बैंक मुझे पसंद आता था, उनका सर्विस में जाता था, तो मैं उनका थोड़ा शेयर्स लेता था। रिलायंस के बारे में थोड़ा सुना था तो मैं अच्छा। उनका शेयर ले लेता था, ऐसा मैं पहले करता था। लेकिन उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इतना कुछ पता नहीं था, वो मैंने ओवर पीरियड ऑफ टाइम बाद में सीखा। मतलब कि कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट के साथ साथ अपनी सर्विस को भी अच्छा कर लें तो एक अच्छा इंप्रेशन डाल देती हैं पोटेंशियल जो कस्टमर है उसको इन्वेस्टर बनाने। तो मोर लेस आप एक कस्टमर रहे हो एंड इफ यू लाइक द प्रोडक्ट एंड सर्विस, तो आपने कहा यार इसमें इन्वेस्ट भी कर दो एट दैट एज। हम 15 तब आप 15-16 साल के थे ना। किस क्लास में थे आप तब जब आपने ये किया, HDFC रिलायंस? 8th या 9th में था। तो बाकी के स्कूल के जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे उस टाइम पे जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे रिलायंस में? नहीं, उनको मैंने कुछ ऐसा बताया भी नहीं था मैंने, क्योंकि मुझे भी अभी पता नहीं था कि आगे जाके क्या होगा, कैसे होगा, मैं कमा पाऊंगा भी या नहीं, ये तो कुछ पता नहीं था। तो ऐसे मैंने किसी को बताया भी नहीं था बाहर। ओके, बट 8th और 9th में आपके बोर्ड के एग्जाम, 10th में बोर्ड के एग्जाम, 8th में भी होते हैं,
तो उनकी टेंशन भी थी या ये करके देखते हैं यार ये क्या चीजें हैं स्टॉक मार्केट, हाँ चलो ये भी अच्छा लग रहा है। मुझे तो ट्राई तो करना था, चाहे कुछ भी हो जाए ट्राई तो मुझे करना ही था। तो 10th में, ओके अभी 10th में जो था तब से मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा था। तो मेरे बोर्ड के एग्जाम थे उसी दिन पे भी मैं ऑप्शन बेच के दोनों तरफ स्टॉप लॉस लगा के बोर्ड के एग्जाम देने चला जाता था। तो जब एग्जाम दे रहे होगे तो मार्केट की टेंशन हो रही होगी क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन कर रहे होगे तब, तो आई होप ऐसा नहीं था। नहीं, ओवरनाइट नहीं था, क्योंकि मेरे एग्जाम 11 बजे के आसपास थे, तो मैं 10:30 बजे अच्छा तक दोनों तरफ के स्टॉप लॉस लगा के चला जाता था, क्योंकि मुझे मैक्सिमम लॉस क्या होगा वो तो पता था उस समय, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं था। ओके ओके परफेक्ट मैन परफेक्ट, व्हाट अ स्ट्रांग थॉट प्रोसेस के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और अपनी स्टॉप लॉस लगा के जा रहा हूँ ट्रेड में। लास्ट के आधे घंटे में ना लोग रिवाइज करके जाते हैं कि यार ये सवाल ना आ जाए, और अपन देखते हैं ना स्टॉप लॉस क्या लगाऊँ जाने से पहले। ये यार ये पहली बार हुआ है सीरियसली, बट अमेजिंग यार अमेजिंग। ओके मूविंग ऑन, तो 2020 पे अपन आ जाते हैं जहाँ पे मार्केट एकदम से गिर रही थी और यू आर इन टू पुट, कि मार्केट गिर रही है तुम ऑप्शन बाइंग में आ जाता हूँ और पुट कर रहे हो आप, क्योंकि सभी पता ही है कि गिरना है मार्केट कोविड एंड एवरीथिंग, तो उस टाइम पे पैसा कमा रहे थे। हाँ, उस टाइम पे मतलब मैंने एक बार ही सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड किया था। पहले तो हिम्मत ही नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले मैंने अच्छा खासा बाइंग में लॉस किया था। तो अराउंड मार्केट जब गिर रहा था तभी मैंने एक ही ट्रेड लिया था पुट में, तो वो ही बहुत जैकपॉट ट्रेड निकल के आया। अराउंड उसमें मुझे 2000 पॉइंट मिले थे पुट में, मैंने एट द मनी खरीदा था। लोअर सर्किट हिट हुआ था ना, हाँ, लोअर सर्किट ही हुआ था, 10% बैंक निफ्टी गिरा था उस दिन। और फिर तो लगा होगा यार ये क्या कर रहा था मैं, ये ब्लू चिप ब्लू चिप ये सही है यार इसी में ही करते हैं। हाँ, वही वो पापा ओवर कॉन्फिडेंस, एफडी एफडी तोड़ो पापा। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ही मैंने पहले ही मुझे पता था कि उसमें लॉस हुआ है मुझे, तो मैंने 50,000 जो मिले थे उसमें से 30,000 फिर से मैंने शेयर खरीद ले, और 20,000 में से फिर ऑप्शन बाइंग करता था। तो वो 20,000, 20,000 जो थे वो फिर पूरे चले गए थे ऑप्शन बाइंग में। ओके बट स्टिल प्रॉफिटेबल तो थे ना, क्योंकि यू सेड कि कुछ हाँ पैसे 3-4 हज़ार पे लगाए थे और 40-45 हज़ार बन गए थे, तो ये स्टिल हाँ हाँ प्रॉफिटेबल ना। यस यस ओके ओके तो इस बार भी ब्लू चिप में ही लगाया है या थोड़ा सा नहीं, ब्लू चिप में ही मिड लगाया कैप था। पे आए अभी या स्मॉल क्या कैप पे। था, वो अराउंड मार्केट उसके लोअर एंड पे था, तो कोई भी शेयर आप छू लो तो वो बढ़ हाँ ही रहा था वहां से। यार ये कोई बता रहा है तुम्हें तब या खुद से यूट्यूब सीख के कर रहे थे। नहीं, मैं पहले से ही, मुझे रिकमेंडेशन वगैरह कुछ इतना पसंद नहीं था। मैंने पहले ही मतलब मैंने पक्का कर लिया था कि मुझे टिप के भरोसे नहीं रहना है, जो भी सीख के मुझे मेरा ही कुछ करना है, टिप के भरोसे मुझे नहीं रहना है। तो मैंने पहले से ही पक्का कर लिया था, तो जो भी मैंने करा है वो सीख के ही करा है, किसी के कहने पे नहीं करा। कोई घर में आसपास रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी कोई स्टॉक मार्केट में हो नहीं, जिनको देख के कुछ इंस्पिरेशन पापा मिली हो। पहले करते थे, मतलब मैं बहुत छोटा था तो वो करते थे, लेकिन उन्होंने भी थोड़ी साल बाद वो बंद कर दिया था। वो अभी म्यूचुअल फंड में डालते थे और उस पे तो देखते नहीं थे वो, मतलब एक्टिव कुछ करते नहीं थे स्टॉक मार्केट में। अभी ये सब जो कर रहे हो ब्लू चिप तो पता ही है कि चलो नुकसान नहीं देगा, ऑप्शन बाइंग में पता है कि मार्केट गिर रही है तो ठीक है पुट में आ जाते हैं, तो अभी तक कुछ किया नहीं है ना सीखने को लेके, एज इन पता लगा है कि ये करना चाहिए बट कैसे करना चाहिए, स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, सिस्टम बनाना चाहिए, साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें करने लग गए थे या नहीं। मैं नहीं, मैं साइकोलॉजी के बारे में धीरे धीरे सीख रहा था, स्ट्रेटजी में भी बना रहा था। जैसे मुझे वो 20,000 जब लॉस हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये ऑप्शन बाइंग जो है वो मेरे बस की चीज़ नहीं है, मुझे ऑप्शन सेलिंग ही करनी पड़ेगी। तो तब मैंने स्ट्रेटजीज वगैरह बनाना स्टार्ट किया। ऑप्शन सेलिंग जब मैंने सीखी तो मैं नॉन डायरेक्शनल में जब आया तो मुझे एडजस्टमेंट वगैरह कुछ पता नहीं था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस आया तो मैं अगर अगर मार्केट अभी ऊपर जा रहा है तो मैं अभी तब क्या करता था, कॉल ब्लीड हो रहा था, मेरा लॉस हो रहा था, कॉल बेचा है, तो मुझे पुट ऊपर लेना कुछ पता नहीं था। तो मैंने वो धीरे धीरे सीखा कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल में लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो पुट है, मान लो कि 18,000 का पुट मैंने अभी बेचा है, तो मैं उसको 18,100 पे कर लूँगा, 18,200 पे कर लूँगा, और कॉल को थोड़ा आगे ढकेल लूँगा, क्योंकि मुझे एक्सपायरी के दिन वो रेंज में रहना है, क्योंकि जो आउट ऑफ द मनी है ऑप्शन है वो 0 होने वाले, ये तो मुझे पता है।
और अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा मैक्सिमम रिस्क जो है वो 1% रहता है, मुझे M2M 1% दिखा तो मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, एग्जिट ऑल करता हूँ और नेक्स्ट डे को देखता हूँ, क्योंकि एट एनी कंडीशन मेरा लॉस 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो जो मेंटालिटी है, क्या ये मूव करती है, एज इन व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस, फ्राइडे को ट्रेड कर रहे हो, मंडे को कर रहे हो, और फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एक्सपायरी दिन कर रहे हो, वो कैसे होता है? एक्सपायरी के दिन फ्राइडे को रिस्क थोड़ा कम रहता है, मंडे को थोड़ा उससे थोड़ा बढ़ता है, अभी मंगलवार को अभी अभी लॉन्च हुई है फिन निफ्टी एक्सपायरी, तो मैं जैसे गुरुवार को ट्रेड करता हूँ निफ्टी में, वैसे ही मैं मंगलवार को फिन निफ्टी में भी ट्रेड करता हूँ अभी, तो वहाँ पे भी मेरा सेम सेटअप है, जैसा मैं निफ्टी में करता हूँ वैसा सेम टू सेम मैं फिन निफ्टी में करता हूँ, तो एक्सपायरी के दिन मेरा मैक्सिमम लॉस का लिमिट रहता है 1%, और अदर देश पे डिपेंड करता है कि कितना प्रीमियम है, कितना आईवी है, तो 0.3 to 0.5 के बीच में अदर देश के लिए रहता है रिस्क, मैं कोई ऑलवेज जो है मैं रिस्क का, मुझे रिस्क का स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस हमारा मेरा होता है, टारगेट मेरा कुछ नहीं होता, जितना मार्केट डीके देगा उतना मैं लूंगा। मतलब कुछ कुछ इसमें पूरा फ्लेक्सिबिलिटी रखा हुआ है कि एक थॉट प्रोसेस आता है कि बस अभी निकल जाता हूँ मैं, यू नेवर नो, कुछ तो दिमाग कहता होगा। अगर अगर मार्केट ने पहले थोड़े दिन में, थोड़े घंटे में, 1-2 घंटे में अच्छा खासा आईवी क्रश दिया है, मार्केट प्रीमियम बहुत ज़्यादा गले है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा अभी लेट से कि 0.5% का स्टॉप प्रॉफिट अभी मेरा M2M रनिंग है, तो मैं उसको 0.3% पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, अगर मेरा प्रॉफिट नीचे आता है 0.3% पे तो मेरा ट्रेड अपने आप कट जाएगा, और अगर मार्केट मुझे और डीके देता है तो मैं 3:30 बजे तक रहूँगा मार्केट में। तो चलो अभी थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दिया है, बट जैसे पहले आईवी वगैरह या ओआई नहीं देखते होगे, लेकिन मैं बेसिक पैरामीटर पूछ रहा हूँ, बाद में जाएंगे अपन थोड़ा टेक्निकलिटीज़ पे, बट डू यू लुक एट व्हेन यू चूज़ अ स्ट्राइक प्राइस कि मेरे को किस बेस पे इन पैरामीटर्स को जज करना है? पहले मैं ओआई वगैरह कुछ नहीं देखता था, अभी 2 साल से मैं देख रहा हूँ सब, पहले मैं सिर्फ प्रीमियम देखता था कि यहाँ पे 7-8 रुपये है, यहाँ पे 7-8 रुपये, सस्ता दोनों तरफ का बेच देता है। था और स्टॉप लॉस लगा देता था और उसको दिन भर एडजस्ट करता रहता था। ओके, अभी क्या, व्हाट, हाउ डू यू जज आईवी या ओआई, इनको कैसे जज करते हो, किस बेसिस पे? ओआई तो मैं NSE की वेबसाइट पे देखता हूँ, वैसे ज़्यादा रोल मेरा प्रीमियम पे रहता है, मैं प्रीमियम दिन भर मैच करता हूँ, एक्सपायरी के दिन अगर मैंने 5 रुपये का कॉल और 5 रुपये का पुट बेचा है तो वो पुट को अगर मार्केट नीचे जा रही है तो पुट का प्राइस लेट से 8 रुपये हो गया, तो मैं कॉल्स जो बेचा है वो स्क्वेयर ऑफ करूंगा, नीचे वाला बेचूंगा, 8 रुपये का बेचूंगा, ऐसा जब तक मेरा 12-13 रुपये तक नहीं जाता वो, तब तक मैं निकालता नहीं हूँ, और अगर 12-13 रुपये पे भी जाता है तो मैं पुट को नीचे, कॉल एवरेज स्ट्राइक प्राइस पे मैंने कॉल में प्रॉफिट बुक किया है तो प्रॉफिट मुझे मिला है, तो उसको पुट को मैं नीचे ले आता हूँ, तो फिर भी मेरे पास अगर एक एक पुट का स्टॉप, एक दो पुट का स्टॉप लॉस भी मेरा हिट हो जाता है तब भी एक्सपायरी पे मैं आराम से 1% का प्रॉफिट कर लेता हूँ। पोजीशन साइजिंग कैसे करते हो, हाउ डू यू फिगर आउट दैट, क्योंकि इसमें तो बहुत मैटर करती होगी पोजीशन साइजिंग। अभी एक्सपायरी के दिन तो मेरा 100% कैपिटल में यूज करता हूँ, हेजेस बाय करके मार्जिन बेनिफिट लेके, तो अब क्योंकि मेरा रिस्क रिस्क जो है वो लिमिटेड है, मुझे पता है कि 1% से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लॉस नहीं रह लेने वाला, और उसमें कोई वो भी नहीं पड़ता क्योंकि मुझे मैक्सिमम मिलना कितने वाला है, तो 1% मिलने वाला है, मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है, मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो मेरी प्रोबेबिलिटी है 80%, तो 80% टाइम अगर मैं हर एक्सपायरी 1% कमा रहा हूँ तो 20% ऑफ टाइम मैं आधा परसेंट 0.7% देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं 80% ऑफ टाइम 1% कमा रहा हूँ तो। बट मोहित, ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल अच्छा खासा चाहिए होता है ना, तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हो? अभी 2020 तक तो मार्जिन मिलता था, मैं तो आस्था में ट्रेड करता था, 50 टाइम्स वो मार्जिन देते थे, तब तो मेरे पास, मैंने जो प्रॉफिट कमाया था पहले वो था, थोड़ा पेरेंट्स ने भी कैपिटल दिया था तो वो सब मिला के अच्छा खासा मार्जिन मिलता था वो, तो मैं वहाँ पे ट्रेड करता था, और जब तक मार्जिन जब सेबी ने बंद किया उससे पहले मैं बहुत अच्छा खासा, मतलब बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कर चुका था, 8 लाख के अराउंड, तो वो भी कैपिटल था, और जब सेबी ने मार्जिन बंद किया तो पेरेंट्स को भी पता था कि ये कंसिस्टेंटली महीने को कमा रहा है, 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे कमा रहा है,
तो उन्होंने भी मुझे कैपिटल दे दिया था, तो क्योंकि उनको भी इनिशियल अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो कंसिस्टेंटली कमा रहा है। बट यार जब आपने पैसा खोया होगा 2020 में, एक बार तो लगा होगा ना यार ये फ्लूक से हुआ था, तो घर वालों ने भी कहा होगा और खुद में भी दिमाग में आया होगा ना कि यार नहीं यार, फिर वहां से वापसी कैसे की? वो तो आया था दिमाग में, क्योंकि मैं वहां पे ऑप्शन बाइंग कर रहा था, वही मैंने सोचा कि पैसा ऑप्शन बाइंग से आ रहा है फिर भी टिक नहीं पा रहा है, आ रहा है तो जा भी वैसे रहा है, तो कंसिस्टेंटली कमा कौन रहा है, तो कंसिस्टेंटली ऑप्शन सेलर कमा रहा है। तो वो मैंने ऑब्जर्व करने के बाद बड़े कैपिटल से नहीं लेकिन छोटे कैपिटल से ही मैंने ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट किया था। एक 5-6 महीने करने के बाद वो मुझे कंसिस्टेंटली रिटर्न आ रहा था, महीने का 3-4%। वो 2020 में तो और भी ज़्यादा आ रहा था क्योंकि आईवीज बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो फिर वो असमझ में आने के बाद जरा कैपिटल और बढ़ाया मैंने। तो विल यू आप रेकमेंड करोगे दो जो लोग नए हैं मार्केट में? अब देखो कैपिटल की इशू तो सबके पास होएगा, आप थोड़ा सा आपको फैमिली से भी सपोर्ट मिल रहा था और आप कैपिटल बना भी पाए ऑप्शन बाइंग से, तो ऑप्शन सेलिंग में चले गए आप। बट हाउ वुड यू एडवाइज एनीबडी एट एनी एज, हाँ किसी भी एज में है वो कोई बंदा, स्टॉक मार्केट में उसका एज है ही नहीं, अगर नया है उसको कैसे बताओगे कि यार, अच्छा पहले उसको बताओ कि ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए एट ऑल, और अगर नहीं करनी चाहिए तो कैसे ऑप्शन सेलिंग में जाए, और करनी चाहिए तो कितनी देर करनी चाहिए ताकि फिर ऑप्शन सेलिंग में जाए? मैं ऐसा तो नहीं करूंगा कि ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनता, ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बनता है, ऑप्शन सेलिंग से भी पैसा बनता है, लेकिन वो आपको साइकोलॉजी पे सूट होना चाहिए कि अगर आपको 10 में से 7 ट्रेड में लॉस हो रहा है तो आप क्या सहन कर पाओगे, क्या वो लॉस आपके साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट होगा क्या? क्योंकि मुझे जो है वो मेरे साइकोलॉजी पे उसका इम्पैक्ट होता था कि मैं 10 में से 7 बार गमा रहा, पैसे लॉस कर रहा हूँ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। अगर आप वो सहन कर सकते हो और आप ऑप्शन बाइंग को सीख सकते हो तो ज़रूर आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, महीने का 4-5% रिटर्न चाहिए आपको, तो आपको ऑप्शन सेलिंग में आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप महीने का 4-5% भी कमाते हो तो आपका साल का रिटर्न 50% से भी ज़्यादा हो जाता है। ये ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग में आपको ओवरनाइट पैसे नहीं मिलेंगे, कि ओवरनाइट रिच स्कीम नहीं है ये, आपको धीरे धीरे ही पैसे मिलेंगे। ऑप्शन बाइंग क्या ओवरनाइट रिच गेटिंग रिच स्कीम है क्या? नहीं ये भी नहीं है, लेकिन आप तो हुए थे, आप तो एक बार हुए थे। वो लक की वजह से हुआ था। वो अभी ऐसा मार्केट बार बार नहीं होता है, क्योंकि रोज रोज तो मार्केट लोअर सर्किट नहीं हिट करता है। ओके, बट लक एज अ फैक्टर प्ले करता है पार्ट? अभी शुरुआत में मेरे साथ तो किया था कि मुझे इनिशियल कैपिटल जो मिला था वो लोअर सर्किट लगा था उसके कारण ही मिला था, पेरेंट्स ने भी दिया था थोड़ा बहुत, लेकिन जो मेरा डर था ऑप्शंस के रिलेटेड वो उसी की वजह से चला गया था, क्योंकि मैंने एकदम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा 3,000 एकदम 50,000 हो जाएगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो उसकी वजह से थोड़ा वापस आया था। अब ऑप्शन बाइंग से जो आपकी जर्नी मूव हुई है, वैसे एक बात है, आपने ऑप्शंस बाइंग सीखने की कोशिश की थी बिफोर यू मूव्ड इनटू ऑप्शन सेलिंग? ऑप्शन बाइंग में तो मुझे एक पैसा मतलब एक पता चला था, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंटली पैसा नहीं मिल सकता था और मेरा मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए थी, मुझे साइकोलॉजी ठीक रखने के लिए छोटे 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 हमेशा गेंस चाहिए तो ही मैं रह सकता हूँ मार्केट में, तो वो तो ऑप्शन बाइंग से पॉसिबल नहीं था, वो तो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग से ही पॉसिबल था, तो इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ मूव हुआ और उसमें ही मैंने फर्दर सीखा। ओके, और ऑप्शन सेलिंग में साइकोलॉजी कैसे बिल्ड किया आपने? 19 साल की उम्र है आपकी, साइकोलॉजी कैसे बिल्ड किया ऑप्शन सेलिंग? हम बहुत भारी भरकम वर्ड यूज़ कर रहे हैं आपको, आई मीन लॉट ऑफ पीपल जो देख रहे हैं ये वीडियो या आगे चल के भी देखेंगे, इट्स अ डिफिक दीज आर इट्स लाइक ये सारे आईपीएल है, मतलब आईपीएल क्या वर्ल्ड कप्स, आईपीएल भी छोटा रह गया, ये सब वर्ल्ड कप्स हैं क्रिकेट के, दीज आर दी एपिटॉम्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग की, हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की, हम ट्रेडिंग सेटअप की बात कर रहे हैं, और ये हम बात कर रहे हैं एक बंदे से जो कि अभी इज यंग, सो यंग दैट सोसाइटी में कहते हैं उसको सीरियसली लेगा ही नहीं, कहे बच्चा है ये तो, है ना, इसको क्या आता होएगा, लेकिन वो बच्चा जब ये भारी भरकम बातें कर रहा है तो क्या उसका उसका आंसर क्या है इन चीज़ों के लिए? अभी मैंने जब ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मेरे रिलेटिव जो थे वो भी मुझे बोल रहे थे कि ये तो जुगा है, इसमें कुछ नहीं होगा, ऐसा मेरे एक रिलेटिव क्लोज रिलेटिव बोल रहे थे, लेकिन मैंने अभी जब से कंसिस्टेंटली 2 साल से कमा रहा हूँ मैं, अभी तो अभी
एक साल पहले जो मुझे ऐसा बोल रहे थे उन्होंने ही मुझे कॉल करके बोला क्या तुम मेरा अकाउंट अभी हैंडल करोगे क्या। तो मैंने मेरे मुंह से जवाब नहीं दिया उनको, मेरे काम से जवाब नहीं, दिया तो है। मुझे तो ये जवाब दो पहले कि तुमने क्या कहा कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा। नहीं अभी मैं उनका अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ, वो उन्होंने बोला था इसलिए नाइस, कर रहा गुड हूँ। गुड गुड गुड, शाबाश। ओके, बट टेल मी, हाउ डिड यू बिल्ड योर साइकोलॉजी टुवर्ड्स ऑप्शन सेलिंग? साइकोलॉजी का मतलब पहले तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था। जब मैंने कंसिस्टेंटली दो साल से मैंने कंसिस्टेंटली जब छोटे 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 गेंस कलेक्ट किए तो अपने आप को साइकोलॉजी जो है वो बिल्ड हो जाती है कि अगर एक एक आध बार कोई लॉस भी हो जाए तो ऐसा कोई बड़ा ये नहीं लगता है कि बहुत बड़ा कुछ हो गया, क्योंकि मुझे पता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैं प्रॉफिटेबल ही रहने वाला हूँ, तो ऐसा कोई मुझे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है छोटे लॉस का भी, क्योंकि मेरा लॉस भी छोटा ही रहता है हमेशा, ओके, कि देखो कभी बड़ा लॉस लेता ही नहीं हूँ पता मैं। है क्या होता है साइकोलॉजी में, जनरली व्हाट द माइंडसेट इज, कि तीन लेवल पे माइंडसेट चेक होता है। आप ट्रेड से पहले क्या सोच रहे हैं, ट्रेड करते हुए दिमाग में क्या चल रहा है, और ट्रेड के रिजल्ट के बाद आपने उस चीज़ को कैसे लिया। तो मैं चाहूँगा कि इफ़ यू कैन मोहित शेड सम लाइट ऑन हाउ डू यू थिंक बिफोर अ ट्रेड, ड्यूरिंग अ ट्रेड। ठीक है, आप इनसिक्योर नहीं हो कि आप ये चल के जरूर लॉस आएगा, कोई नहीं, आई विल रिकवर यार समहाउ, मेरे को पता है मैं ऑप्शन सेलिंग में हूँ, 10 में से 7 बार आए या वट एवर नंबर दैट इज, मैं निकाल लूँगा, आई नो हाउ द मार्केट। वैसे भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है मार्केट में कि जैसे पहले हुई थी 2 2 ईयर्स बैक, तो ऐसा उतना वोलेटिलिटी का इशू भी नहीं है। बट जब आप ट्रेड में घुसते हो, देखो कोई प्लेयर ग्राउंड में जाने से पहले क्या सोचता है, मैच जब खेलता है और आउट होने के बाद क्या सोचता है ना, उसका माइंडसेट तीनों बार अलग होता है। अब वो आउट सेंचुरी मार के हुआ है, डक पे हुआ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। ट्रेड लेने से पहले तो मैं खुद से एक पक्का इरादा रखता हूँ कि चाहे जो हो जाए, चाहे मार्केट किधर भी चला जाए, मेरा लॉस जो है वो लिमिटेड रहना चाहिए। जो भी मेरे मेरा लॉस की लिमिट जो है उस दिन की उसके उसमें ही रहना चाहिए। तो अगर अगर मेरी लिमिट लेट से आज 0.5% की है और उससे ज़्यादा मैंने लॉस किया तो उसका मतलब मैंने मेरे रूल्स को ब्रेक किया है, मैंने गलत किया है, तो ये ऐसा तो नहीं चलेगा। तो मैं तो वो फिक्स रखता हूँ, मेरी साइकोलॉजी कब इम्पैक्ट होगी, अगर मैं मेरे लॉस की लिमिट में ब्रेक करता हूँ तो ही मेरी इम्पैक्ट होता है साइकोलॉजी पे। अगर मैं मेरे लिमिट में ट्रेड, मेरा एक ही रूल है, लॉस का लिमिट रखना है, प्रॉफिट का मेरा कोई लिमिट नहीं है, प्रॉफिट जितना है उतना ठीक है। बस फिसलते तो होगे ना, लेकिन कभी कभी तो फिसलते होगे। शुरुआत में होता था लेकिन अभी नहीं हो रहा। अभी अच्छा तो अगर आप देखो तो फेब्रुआरी 2021 में लॉन्ग पीरियड में कैसा है वो था इसलिए बता रहा हूँ। फेब्रुआरी 2021 के बाद एक भी महीना मेरा लॉस में नहीं गया है, हमें मतलब स्ट्रीक चल रहा है मेरा अभी इतना महीने का, डेढ़ डेढ़ साल का ओके, ओवरऑल। अच्छा ओवरऑल मंथली लेवल पे यू हैव बीन प्रॉफिटेबल, ओके फेयर इनफ। लॉस आपने लिमिट करना है ट्रेड के दौरान भी, वाइल योर ट्रेडिंग मार्केट आवर्स में आपका एक सिस्टम बना होगा, आपने एक सिस्टम बना लिया होगा अभी तक कि मेरा ये मुझे सेट ऑफ रूल्स में अपने आप को मैनेज करके रखना है। तो ड्यूरिंग द ट्रेड जब आप खेल रहे हो स्टॉक मार्केट में, नॉट खेल रहे हो एज इन योर इन टू द ट्रेडिंग आवर्स, तो उस केस में भी अपने आप को कैसे यार रखते हो बिल्कुल क्लियर कट? मेरा मेरा बस एक ही रूल है, जब मुझे एडजस्टमेंट तब तक करना है जब तक मेरा लॉस का टारगेट नहीं हिट होता था। अगर वो अमाउंट मुझे दिख जाता है उतना लॉस तो मैं उस दिन के लिए ट्रेड क्लोज करता हूँ। वो लॉस का टारगेट आपको साल में एक दो चार बार ही दिखाई देगा, कि ऑप्शन सेलिंग में नॉन डायरेक्शनल सेलिंग में जनरली लॉस का टारगेट हिट होता नहीं है, क्योंकि आपको थीटा डी के भी मिलता रहता है, आप मार्केट के साथ अभी एडजस्टमेंट भी करते रहते हो तो वो टारगेट हिट होता नहीं है। तो अगर वो हिट हो जाए साल में लेट्स 5 6 बार हिट हो जाए तो मुझे वो ट्रेड वहाँ पे कट करना ही है, क्योंकि अगर मैं वो नहीं करता और मार्केट ट्रेंडिंग चली जाती है, बहुत ट्रेंडिंग चली जाती है, तो वो आधे परसेंट का लॉस ना लेके मैं वहाँ पे 4 5% का लॉस लेके बाहर आऊँगा। तो वो चाहे जो भी हो जाए मुझे वहाँ पे एग्जिट करना ही है। चलो एक तो हो गया लॉस को बचा के रखना है, मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ कि मेरे को प्रॉफिट का एक, यू सेड ना कि आपका प्रॉफिट का कोई एंड नहीं है, जितना मार्केट दे देगा मैं बैठा रहूँगा। तो उधर लेके चलते हैं गेम को, जब ये हो रहा होता है, जब आप किसी पोजीशन में बैठे हो और तभी आपको लगता है यार मैं अगर मैं पोजीशन में ये थोड़े चेंजेस कर दूँ तो मेरे प्रॉफिट के चांसेस और बन सकते हैं, उस केस में जब आपको लास्ट ओवर में 3 छक्के चाहिए होते हैं तब क्या करते हो आप? देखो मैं तो अभी नॉन डायरेक्शनल सेलिंग में हूँ, मेरा रूल्स फिक्स है, मुझे कॉल साइड पे जितना प्रीमियम है उतना ही मुझे पुट साइड पे प्रीमियम्स चाहिए। तो
तो अगर वो मिसमैच हो रहा होता है तो मैं इंट्राडे में उसको शिफ्ट करता हूँ स्ट्राइक प्राइस को, कॉल को रोल अप रोल डाउन करता हूँ, पुट को रोल अप रोल डाउन करता हूँ, ऐसे मैं शिफ्ट करता रहता हूँ दिन भर। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको ऐसा इसको नहीं इसको ऑप्शन से नॉन डायरेक्शन। इसको थोड़ा तोड़ोगे मोहित? क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो कि अभी उन स्टेज में हैं जो कि जो नहीं समझते होंगे इतनी टेक्निकलिटी को, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताओ। लेट से क्या अभी मार्केट 18,000 पे निफ्टी चल रहा है, तो मैंने 18 एक्सपायरी का दिन है, 18,200 18,150 का कॉल बेचा है और नीचे 17,900 का पुट बेचा है, तो मार्केट अभी नीचे आ रहा है। तो अगर 18,000 से अभी 17,970 पे आ जाता है तो मेरा कॉल में 18,050 से 18,100 तक नीचे लेकर आऊँगा, और नीचे आ जाता है तो मैं मेरा कॉल में मुझे ऑलरेडी क्रेडिट मिल चुका है, मतलब ज़्यादा प्रीमियम में ले चुका हूँ, तो और नीचे जाता है तो मैं पुट 900 का निकाल के 850 का बेच दूंगा। तो ऐसा ऐसा ही दोनों तरफ मैं करता रहता हूँ, और मार्केट अगर वो रेंज में एक्सपायर होगा तो वो हमें तो अपना प्रॉफिट मिलने वाला है, मतलब प्रीमियम तो जीरो होने वाला है। हमारा काम है कि हम आउट ऑफ द मनी रहे और हमारी रिस्क मैनेज करें हम, ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे गिर रहा है और मैं पुट में स्टॉप लॉस लेने से ही मना कर रहा हूँ, वो पुट इन द मनी चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो थॉट प्रोसेस है, कितना टाइम हो गया इस चीज को एक तरह से फिगर आउट किए हुए? जब तक मैंने अभी जब मैं अभी लास्ट 2 साल से अच्छे से ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, मतलब एडजस्टमेंट वगैरह, तो वो लास्ट 2 साल से वो कर रहा हूँ मैं ऑप्शन सेलिंग नॉन डायरेक्टली। पहले मैं जब ओवरनाइट रखता था वो भी नेकेड, तो वो मुझे फ़रवरी 2021 में गलती रियलाइज हुई, तो तब से मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, अभी इंट्राडे में ऑप्शन बेच रहा हूँ। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, जब तुम थोड़े क्लियर हो गए हो स्टॉक मार्केट में अपने माइंडसेट या डिसीजंस को लेके, क्या ये तुम्हें अपने नॉर्मल लाइफ में जो डिसीजन लेने होते हैं या फैसले लेने होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, स्कूलिंग को लेके या घर पे अपने करियर को लेके, अभी प्लस वन कर रहे हो जैसे आप, सो वट एवर थिंग्स अदर देन स्टॉक मार्केट नॉर्मल लाइफ में, उसमें हेल्प मिलती है अपने थॉट प्रोसेस को ऐसे ही क्लीन रखने में? इतनी ज़्यादा भी नहीं मैं बोलूँगा कि मिलती है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है कि अभी अच्छा एक डिसीजन ले लिया तो वो ले लिया, उस पर अभी हम कोई वापस जाके उसके करेक्ट नहीं कर सकते, तो अभी आगे सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं इसकी रिगार्डिंग। अभी उसमें मैंने ये डिसीजन क्यों लिया ऐसा सोच के तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो ले लिया है, अभी हो गया है वो सब, तो अभी आगे देखना है मुझे। ओके तो हाँ, तो दैट्स क्लैरिटी ना, यही तो क्लैरिटी की बात हो रही है कि यू आर क्लियर कि एक बार डिसीजन ले लिया तो अभी हो गया, और डिसीजन भी होपफुली वो थोड़ा एनालिसिस मतलब अंडरस्टैंडिंग लेके लिया होगा तभी उस पर थोड़ा कॉन्फिडेंट हो। थ्रू आउट द जर्नी ऐसा कभी हुआ कि घर वालों की तरफ से कुछ आया हो कि भाई बेटा पढ़ लो ये चलता रहेगा, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है, करियर बनाना है? और ये भी बताओ कि फिर बी प्लस वन जो कर रहे हो कॉमर्स में कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो, कॉमर्स में क्यों कर रहे हो? घर वालों की तरफ से शुरुआत में रहता था कि थोड़ा पढ़ाई कर लो ये कर लो, क्योंकि शुरुआत में तो ऐसा कुछ रेगुलर रिटर्न बनता नहीं था, तो जब से मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ और रेगुलर रिटर्न बन रहा है महीने का 4-5%, तब से तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है ये जो भी हो जाए कंसिस्टेंटली रिटर्न बना रहा है, तो वैसा कोई नहीं। और अगर आप कॉमर्स का बोले तो मुझे पहले से ही, मतलब पहले से ही फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने कॉमर्स लिया, अभी बाकी कुछ नहीं लिया। पहले से अब 10th किया है तुमने यार, अभी कौन सा पहले से अभी स्कूल से पहले से निकले हो मतलब जब मैं 8th में था तब से मैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग पढ़ रहा था, तो मुझे तब से ही इंटरेस्ट था इस चीज में। वही तुम्हें लगता है कि YouTube के आने से जो जनरेशन है, योर जनरेशन या आगे आने वाली जनरेशन्स होंगी, वो टाइम के साथ मेच्योर डिसीजंस, मेच्योर भी और इमेच्योर भी, क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स भी होती हैं दूसरा तरह की, या टिकटॉक भी हुआ करता था, बट अवेयरनेस टूवर्ड्स वॉट दे वॉन्ट डू इन लाइफ अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई, यू नो, चाहे डांस ही करना है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी एक बहुत बढ़िया फुल टाइम करियर है, बट जो भी करना है बिकॉज ऑफ दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन योर केस यूट्यूब, क्या ये चीज़ें हेल्प कर रही हैं और किस हद तक कर रही हैं? हेल्प तो ज़रूर करती है, क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग शुरुआत में मैंने जितना भी सीखा तो मैंने यूट्यूब से ही सीखा था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कॉल क्या होता है पुट क्या होता है, ये भी सब मैंने यूट्यूब से ही सीखा था, तो अगर आप उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो तो ज़रूर हेल्प करती है, वरना आपको यूट्यूब डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है अगर आप उसको ठीक से ना यूज करो तो। तो यू बिलीव दैट दिस इज द सोशल मीडिया जनरेशन
ये बहुत पहले ही अवेयर हो जाती है कि उनको करियर में किस तरफ जाना है. दैट काइंड ऑफ हेल्प्स. एंड समटाइम्स उल्टा भी समटाइम्स. तो यार एक बात बताओ कि एट योर एज, मैं अभी इस पे रहूँगा थोड़ी देर, तो होता है ना यार कि बाकी के दोस्त की गर्लफ्रेंड्स हैं, बाकी चिल कर रहे हैं, नहीं तो मूवीज जा रहे हैं, लाइफ कुछ यू नो दे आर ट्राइंग डू समथिंग, मेक समथिंग आउट ऑफ देयर लाइफ एट दिस पॉइंट इन टाइम टुवर्ड्स एंजॉयमेंट एंड स्टफ. तो वो तो बोरिंग तो नहीं हो गए हो ना? नहीं, मेरे पहले से ही जो था, मुझे स्टॉक मार्केट में काम करना मुझे वो काम लगता ही नहीं था, वो मैं दिल से करता था. अभी भी मैं जब स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हूँ तो मुझे कभी ऐसा बोर नहीं होता, वो भी उसका भी मैं एंजॉय करता हूँ. पहले से ही मैं स्टॉक मार्केट को कभी काम नहीं समझा, वो मैं पहले से ही एंजॉय करता था क्योंकि वो मैं दिल से करता था. नहीं बट ध्यान नहीं गया कि मेरे को मूवीज के लिए जाना है दोस्तों के साथ, वीकेंड पे चिल करना है. करते होंगे ना बाकी दोस्त? हाँ बाकी तो करते थे, लेकिन मुझे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग पढ़ना ही मेरा एंजॉयमेंट था. उत्तरी ओ मैन. ओके मोहित, टेल मी वन थिंग, कि चलो पास्ट की बात कर ली, प्रेजेंट की बात भी कर रहे हैं, अभी क्या तुम रियली ये आर यू थिंकिंग, कभी सोचा है कि यार मैं फुल टाइम ट्रेडर ही बनूंगा, मेरा करियर चॉइस यही है, ऐसा सोचा होगा? हाँ, वो तो मेरा पक्का है, मैं फुल टाइम ट्रेडर, मतलब अभी मैं 9 से 3:30 तक मैं फुल टाइम अभी ट्रेडिंग ही करता हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट करने रहते हैं, तो फुल टाइम मुझे देखना ही पड़ता है. अभी भी जो भी पढ़ाई वगैरह होता है वो मैं रात में करता हूँ, तो अभी भी मैं आप कह सकते हैं कि फुल टाइम ट्रेडिंग ही करता हूँ. नहीं बट स्कूल कॉलेज तो जा रहे होगे ना, कॉमर्स प्लस वन कर रहे हो ना? कॉलेज का वो मैनेज कर लिया, मैं तो सिर्फ सैटरडे को कॉलेज जाता हूँ. ओ माय गॉड, आर यू सीरियस? यू डोंट गो टू कॉलेज एट ऑल? नहीं, सिर्फ सैटरडे को कॉलेज जाता हूँ. देखो मैं यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं दूंगा ऑब्वियसली, बट आर यू श्योर कि यू आर नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग? तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी लाइफ है, यू आर मैच्योर इनफ. जो भी कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो सेम डे में रात को सारा कवर करता हूँ. मेरा अभी ऐसा शेड्यूल है, मैं सुबह ट्रेडिंग करता हूँ, रात को पढ़ाई करता हूँ, तो कोई ऐसा पढ़ाई के रिगार्डिंग तो कोई मिस नहीं होता है. कि यूएस का स्टॉक मार्केट नहीं चेक करते रात को 12:30 बजे? अब बीच बीच में पढ़ाई करते हुए करता हूँ, डाउ जोन से ही चीयर. तो फिर इसलिए जागते हो रात को भी, कि यार रात को भी स्टॉक मार्केट, कहते किताब के अंदर मोबाइल, मोबाइल के अंदर ऐप. अभी मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मैं इंट्राडे करता हूँ, कल अगर मार्केट लोअर सर्किट पे भी खुल जाता है तो मेरा तो कुछ जाने वाला नहीं है क्योंकि मेरी पोजीशन जो है स्केयर ऑफ होती है. तो हैव यू शेयर्ड दिस प्लान अपने घर वालों के साथ कि मैं तो मम्मी, मैं पापा, मैं तो इसमें ही हूँ अब? हाँ उनको पता है सब. अभी मैंने जब कंसिस्टेंटली रिटर्न बना रहा था तो अभी पापा भी मेरे साथ ट्रेड करते हैं, मतलब थर्सडे को वो भी छुट्टी लेते हैं उनके ऑफिस से और हम दोनों मिलके ट्रेड करते हैं अभी. क्या बात है, ये तो माहौल सीरियसली कैप्चर करना चाहिए. क्या कैसे होता है ये बताओ मुझे, फादर एंड सन डूइंग ऑप्शंस, सेलिंग और बाइंग, आई डोंट नो, सेलिंग करते होंगे, बट इकट्ठे बैठ के कौन किसको क्या बताता है? अभी हम दोनों पहले ऑप्शन सेल करते हैं और जैसे भी मार्केट मूव होता है उसके रिगार्डिंग दोनों भी मिलके एडजस्टमेंट करते हैं. अदर डेज को मैं करता हूँ क्योंकि एक्सपायरी के दिन मूव जरा फास्ट होते हैं तो फास्ट करना पड़ता है, तो मैं एक 4 अकाउंट्स नहीं ना अकेला मैनेज कर सकता, तो वो थोड़ा एक अकाउंट मैनेज करते हैं, मैं 3 अकाउंट देखता हूँ थर्सडे को. मतलब मैंने देखा है कि पापा और बेटा चिल कर रहे हैं आपस में बैठ के, बहुत बार सुना है, फिल्मों में भी देखते हैं अपन में भी, लेकिन इकट्ठे बैठ के ऑप्शन सेलिंग करते हैं. दिस इज ब्यूटीफुल मैन, दिस इज ब्यूटीफुल. या आई मीन द मोर आई टॉक विद यू द मोर इंटरेस्टिंग इट गेट्स मैन. अच्छा ये बताओ कि सुबह जब थोड़ा मुझे ये बताओ कि सुबह जब 9:15 या कितने बजे उठ के मार्केट पे ट्रैक करना शुरू कर देते हो और क्या टाइम जोन है तुम्हारे कि तुम वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होते हो, और फिर जब मार्केट बंद होता है तो व्हाट डू यू थिंक आफ्टर दैट, दिमाग में क्या चलता है? पहले उठने के बाद सबसे पहले मैं चीज करता हूँ जो SGX निफ्टी देखता हूँ सबसे पहले. तो SGX निफ्टी देखने के बाद हमें अंदाजा लग जाता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, तो वो देखने के बाद मेरे दिमाग में उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस सब लेवल आता है क्योंकि मैं उसके पास ही एडजस्टमेंट करता हूँ. तो थोड़ी देर बाद मतलब 8:30 बजे मैं चार्ट निकाल के उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाता हूँ और 9:15 बजे ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करता हूँ. कुछ होता है कि मैं इस टाइम पे मेरा ध्यान ज़्यादा है, बाकी मैं मार्केट ऑब्जर्व करूँगा एंड स्टफ, कि ओपन है इस मामले में? नहीं, वो फिक्स हो रहता है, मैं सुबह का शेड्यूल फिक्स रहता है,
3:30 बजे तक मैं मार्केट ही देखता हूँ, और उसके बाद बाकी जो भी काम बचा है वो कर लेता हूँ। कुछ ज्यादा नहीं, 0.0, अभी मुझे भी इतना पता नहीं है। कोई बात नहीं, सबके लगते हैं चश्मे। अच्छा, कोई जर्नल मेंटेन करते हो? जर्नल ऐसा नहीं, अभी एक किताब बुक है, नोटबुक है, तो उसमें वीकली प्रॉफिट बस हम पापा और मैं दोनों कैलकुलेट करके रख देता हूँ। मतलब अपनी पोजीशन या पोजीशन के बारे में, या अपना थॉट प्रोसेस जो था, या स्ट्रेटजी जो थी, या कौन सा क्या एंटर किया, किस प्राइस पे एग्जिट किया, कुछ भी लर्निंग्स फ्रॉम इट, क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, ये कहीं अभी नोट डाउन नहीं कर रहे हो? नोट डाउन नहीं करता, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी हो जो है वो बहुत सिंपल है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं पांच इंडिकेटर लगाता हूँ, ऐसा मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट कहीं भी जाए मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज सोच के क्लियरली बताना मुझे, ऐसा तो नहीं तुम्हें लग रहा कि जो स्ट्रेटजी तुमने, यू नो स्पेसिफिकली यू आर ट्रेडिंग थ्रू दैट माइंडसेट, लॉस या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो भी लेके चल रहे हो, ऐसा तो नहीं कि किसी दिन कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट हो जाए ट्रेडिंग में जिसके लिए पता लगे अरे यार ये मैं गलती कर रहा था, ऐसी कोई बड़ी गलती मिस तो नहीं कर रहे हो? नहीं, अभी तो ऐसी कोई नहीं है। अगर लेट्स से कि मैं भी, मेरा ट्रेड ओपन है और वहाँ पे कोई रशिया एटम बॉम्ब भी फोड़ दे, तो भी मेरा हेजेस रहता है। अगर मार्केट मेरा स्टॉप लॉस जंप भी हो जाए, कुछ मैं कर भी ना पाऊँ, या एक्सचेंज भी बंद हो जाए, चाहे जो हो जाए, मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो 15% रहेगा, वो मैं 3-4 महीने में आराम से कवर कर लूंगा। अगर ऐसा तो बहुत रेयर है कि मैं मेरी पोजीशन से एग्जिट ही ना कर पाऊँ, लेकिन ऐसा हो भी जाता है तो मेरा लॉस जो है वो फिर भी लिमिटेड है। आज तक हाईएस्ट लॉस कितना खाया है, वो एग्जांपल छोड़ के पिछले 2 साल की बात कर रहा हूँ मैं। पिछले 2 साल में हाईएस्ट लॉस जो है वो अराउंड 1.5%। समझदार इतने हो गए मोहित कि तुम परसेंटेज में बात करते हो। हाँ ओके, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो देखा हो किसी एक ट्रेड में? अच्छी बात है वैसे। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो, मैक्सिमम प्रॉफिट जो रहता है वो अभी तक 2.5% के अराउंड। ओके, तो मतलब ऐसा, ओके दैट्स अमेजिंग। क्यों 2.5% क्यों अमेजिंग कह रहा हूँ, और 1.5% इज ऑल्सो अमेजिंग, बिकॉज तुम क्लियर लग रहे हो कि मैं को लालच करना है अगर तो एक पॉइंट तक है मेरा लालच, 2.5% इज ह्यूज नंदलेस, बट उसके बियॉन्ड भी लोग बैठे रहते हैं कि आ जाएगा 5 गुना 10 गुना आ जाएगा, या 2 गुना ही आ जाए फॉर दैट मैटर, नहीं तो 1.5% पे मैं कट लेता हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो रिवॉर्ड है वो फिक्स है। मैंने 10-10 रुपये का कॉल पुट बेचा है, तो मुझे मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 20 रुपीज़ ही मिल सकता है ना, उससे ज़्यादा तो मुझे मिल ही नहीं सकता चाहे जो हो जाए, तो उसमें लालच का तो कोई सवाल ही नहीं है, फिक्स है मेरा रिवॉर्ड। कुछ किसी ने गाइड किया है अपने ऐसे माइंडसेट को, या ये भी एक्सपीरियंस से ही सीखे हो? मैंने जो भी सीखा है तो वो सब कुछ एक्सपीरियंस से ही सीखा है, थोड़ा बहुत मदद हुआ है यूट्यूब से वगैरह, लेकिन ज़्यादातर जो भी सीखा है वो एक्सपीरियंस के ही सीखा है मैंने। ये पता है, बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग स्पेशली आजकल ऑप्शंस बाइंग करते हैं आफ्टर मार्जिन रूल स्पेशली, उनका माइंडसेट इज इन ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि ऑप्शन बाइंग एक तरीका है जल्दी से अमीर बनने का। तुम्हारे दिमाग में ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग भी, कुछ भी, एनीथिंग इन टू ऑप्शन ट्रेडिंग, पर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ कभी, आई डोंट थिंक, मैं खुद ही बोल देता हूँ, आई डोंट नीड टू आस्क फ्रॉम यू, कि नहीं आया होगा? शुरू में आया होगा, पर वो तब पता ही नहीं था मार्केट के बारे में। हाँ, शुरू में तो आया था, क्योंकि शुरू में जब मैंने 15-16 साल का था, तब मुझे हर जगह वो, चाहे ट्विटर खोलो, टेलीग्राम खोलो, कुछ भी खोलो, 2-5 लाख 10 लाख ऐसे स्क्रीनशॉट दिखाई देते थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे पता चला कि ये सब सच नहीं होता है। अगर आपने ऐसा लालच किया तो कैपिटल उड़ा के बैठोगे, बाकी कुछ नहीं होगा। दिस इज रियली अ सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशनल फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, बिकॉज वी टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल मोहित, एंड सबका अपना अपना एक तरीका होता है सोचने का, बट सबका एक एज भी होता है उस चीज़ को लेके, तो एंड इस एज चीज़ को, दिस एज थिंग को ज़्यादा एग्जैजरेट करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग बहुत टाइम लगा के भी इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, और कई लोग टाइम लगाते नहीं हैं और उसको अपना पार्ट बना लेते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसको अपना हैबिट बना लो, मतलब इसके बारे में सोचना ही ना पड़े ना। ब्रश करते हैं तो सोच के थोड़ी करते हैं कि मेरे को ब्रश करने जाना है, इट इज़ अ हैबिट, आई गेस इट हैज़ बिकम अ हैबिट ऑफ योर्स द वे यू आर टॉकिंग, कि तुम्हारा माइंडसेट प्रीटी क्लियर है इन चीज़ों को लेके। वीकेंड को क्या करते हो?
स्टॉक मार्केट को लेके? चिल आउट तो मुझे पता नहीं करते हो कि नहीं, बट स्टॉक मार्केट को लेके वीकेंड को क्या करते हो? आज जैसे अपन वीकेंड को बात कर रहे हैं, वीकेंड को थोड़ा बहुत मतलब अभी मैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ज्यादा पढ़ाई वगैरह कर नहीं पाता, तो वीकेंड को मैं पढ़ाई करता हूँ थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मार्केट के रिगार्डिंग भी देखता हूँ कि क्या चल रहा है, ग्लोबल न्यूज क्या है, वो भी देखता हूँ। पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है, कब तक पढ़ाई करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है? करनी है पढ़ाई तो करनी है, चाहे यहाँ से कितने भी पैसे मिल जाए, तो थोड़ी मतलब डिग्री तो लेनी है कम से कम। मैं भी, मुझे जॉब नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं जॉब के लिए नहीं पढ़ रहा, मैं प्रिटी कॉन्फिडेंस हूँ कि मुझे फुल टाइम ट्रेडिंग ही करनी है, बस मैं सीखने के लिए सीख रहा हूँ, जॉब के लिए नहीं सीख रहा। आई होप कि तुम्हें ऐसा सोचना भी ना पड़े आगे चल के, बट एटलीस्ट तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के तो पता लग रहा है कि यू नो व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। ओके ओके, फेयर या फेयर, बहुत सीरियसली मज़ा आया। इट वॉज़ लाइक कि हम चाहे हमें बात करीब एक घंटे हो गए बात करते हुए, बट ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ क्लियर कट थॉट प्रोसेस और थोड़ा टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात की। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर टूवर्ड्स द टेक्निकल साइड ऑफ योर जर्नी, मतलब कि मेरा अपने साइकोलॉजी के बारे में बहुत बात की, लेकिन टेक्निकल साइड पे जैसे अपन ने शुरू में आईवी की बात कर रहे थे अपन, या प्रीमियम को देख के करते हो क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीक्स, एनीथिंग वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया और जो तुम करते हो अभी फिलहाल? जो क्या हो रहा है अभी, सब लोग ऑप्शन सेलिंग करके ऑप्शन सेलिंग में आ तो रहे हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब बहुत लोग ऑप्शन सेलिंग में आने की वजह से प्रीमियम थोड़ा ऑप्शन का कम हो रहा है। अभी फिलहाल में देखो तो आई भी बहुत ज़्यादा कम है। अभी स्ट्रैडल आप देखो कि अभी फ्राइडे को स्ट्रैडल 200 के आसपास क्लोज होता है, लेकिन मार्केट अभी पहले 200 पॉइंट ऊपर जाता है, फिर 300 पॉइंट नीचे आता है। तो अभी फिलहाल मतलब करंट मार्केट कंडीशन में आई वी और आर वी दोनों मैच नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा अभी प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई उसका प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो जो नए ऑप्शन सेलर आ रहे हैं वो सब दूसरे को देख के बेच रहे हैं। अगर वो कोई कल बड़ा कोई फॉल वगैरह आ जाता है तो वो अपना पोजीशन नहीं कट कर पाएंगे टाइम में, और वो उनका कैपिटल उड़ा के बैठेंगे। ओके ओके, डू यू यूज सम सॉर्ट ऑफ टूल, जैसे होते हैं अपना ऑप्स्ट्रा हो गया या ऐसा कुछ, ऐसा यूज करते हो आप? ऑप्स्ट्रा में यूज करता हूँ अगर मुझे स्टॉक में अभी मैं थोड़ा सा मेरा जो पोर्टफोलियो का परसेंट में वो स्टॉक ऑप्शन में भी मैं थोड़ा करता हूँ, तो वो उसमें स्ट्रेटजी बनाने के लिए ऑप्स्ट्रा वगैरह यूज करता हूँ, चार्ट देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू वगैरह यूज करता हूँ। अच्छा। और न्यूज के लिए वगैरह मनी कंट्रोल वगैरह उसका यूज करता हूँ। ओके, इन प्लेटफॉर्म्स का यूज, ट्रेडिंग व्यू और ऑप्स्ट्रा का यूज जब करते हो तो कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं, अलग से कुछ ध्यान देते हो स्पेसिफिक चीज़ों पे? नहीं नहीं, मैं सिर्फ सिंपल यूज, मेरा स्ट्रेटजी वो सिंपल है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल मैं करता हूँ, वहाँ पे स्ट्रेटजी बनाता हूँ, उसका सिर्फ ब्रेक इवन और पे ऑफ चार्ट देखना इजी रहता है वो ऑप्स्ट्रा में, तो इसीलिए मैं यूज करता हूँ ऑप्स्ट्रा। ओके, और आगे चल के सेइंग कि फुल टाइम ट्रेडर ही बनना है, तो क्या ये ऑप्शन सेलिंग को लेके ही रहेगा या आगे भी चीज़ें और एक्सप्लोर करने का सोचा है, या मिक्स करोगे सारा कुछ? अभी मैं थोड़ा बहुत ऑप्शन बाइंग थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, मैंने उसमें ज़्यादा वेटेज नहीं है, मेरा कैपिटल का 0.4% मैंने दूसरे अकाउंट में डाला है और उसमें ऑप्शन बाइंग में सीख रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या हो गया है बहुत ज़्यादा ऑप्शन सेलर्स की वजह से थोड़ा आई भी कम हुआ है, वो लॉन्ग पीरियड में हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी थोड़ा बहुत ऑप्शन बाइंग भी सीखना है, लेकिन मेरा हमेशा ज़्यादातर जो वेटेज रहेगा वो ऑप्शन सेलिंग में ही रहेगा, क्योंकि वो ऑप्शन बाइंग मुझे सूट नहीं करता है, मेरे साइकोलॉजी को सूट नहीं करता है। सुपर मोहित, बहुत मज़ा आया सीरियसली मैन, इट वाज एन अमेजिंग कॉन्वर्जेशन, एंड आई होप कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने पूरा यहाँ तक देखा वीडियो, दे ऑल्सो लर्न अ लॉट, एंड स्पेशली इंस्पिरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी साइकोलॉजी का एक माइंडसेट क्लैरिटी भी दिखा, एंड एट द सेम टाइम थोड़ा टेक्निकलिटी भी बात की हमने शुरू में इन द मिडल समवेयर, तो आई होप कि देर वॉज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स इन दिस कॉन्वर्जेशन, एंड थैंक यू सो मच मोहित, आप आए एंड यू हैड अ डिस्कशन विद अस, दिस इज़ अ बिग बुल सीरीज, इट डेफिनेट लुक लाइक फॉर अस के यू आर अ बिग बुल ऑफ द फ्यूचर, तुमने तो पहले से डिसाइड कर ही लिया है कि तुम एक फुल टाइम ट्रेडर बनने की सोच रहे हो, कर ही रहे हो एक्चुअली, वीकेंड को कॉलेज जाते हो एंड फैमिली का सपोर्ट भी है, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मोहित, डू वेल इन लाइफ, बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर्स इन इंडिया आई हैव सीन, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग। थैंक यू।